सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस वंस अगेन। दोस्तों रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का 2024 की अपडेटेड मॉडल की आज मैं आप लोगों को सेकंड टॉप वेरिएंट दिखाने वाला हूं, या फिर आप कह सकते हो इसकी जो ट्यूबलेस टायर्स एंड अलॉय व्हील्स वाली वेरिएंट है इसको दिखाने वाला हूं। दोस्तों ये जो कलर आप देख रहे हैं इसको रॉयल एनफील्ड कह रहा है गन ग्रे कलर या फिर डार्क गन ग्रे कलर, जो कि पहले गन मेटल ग्रे के नाम से आता था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो द बंगाल राइड यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका होस्ट अर्जित। और दोस्तों इस वेरिएंट को अगर आप कोलकाता में लेने जाएंगे तो अप्रॉक्सिमेटली इसकी प्राइस जो है ये ऑन रोड 2,62,63,000 से लेकर 2,64,000 रुपीज की होगी, तो लगभग कुछ ऐसी ही आपको ऑन रोड प्राइस हो जाएगी, जो कि अप्रॉक्स एक फिगर मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। अब ये वाली वेरिएंट मुझे काफ़ी ज़्यादा या फिर आप कह सकते हो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड रियलिटी फ्रेंडली लगता है, क्योंकि दोस्तों इसमें ट्यूबलेस टायर्स एंड अलॉय व्हील्स लग के आते हैं कंपनी फिटेड, ताकि आपको बाद में इसको चेंज ना कराना पड़े और ऑन रोड या फिर जब आप गाड़ी को चला रहे हो कोई भी पंक्चर वगैरह का डर ना रहे। और सबसे ज़्यादा एक और बात है दोस्तों कि आपको इसमें कोई भी क्रोम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, तो मेंटेनेंस जो है गाड़ी की लुक्स वगैरह को मेंटेन करने का जो इशू है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि ऑल फुल्ली ब्लैक्ड आउट ऑलमोस्ट ये गाड़ी दिया हुआ है। सारा जो अपडेटेड जो फीचर्स है सभी कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, यानी कि आपको एलईडी इंडिकेटर्स, एलईडी हेडलैम्प यूनिट, साथ ही में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, एडजस्टेबल ब्रेक एंड क्लच लीवर्स, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अलॉय व्हील्स जो पहले आता था वही आपको मिलेगा। और ये गन ग्रे कलर आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों आप इसमें देख पाएंगे कॉपर कलर, ब्लैक कलर एंड इसमें गन मेटल ग्रे कलर की एक कॉम्बिनेशन, यहाँ पे थ्री टोन टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 की कई सारे वेरियंट्स है, और भी सारे वेरियंट्स को आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में जाके वीडियोज में देखो, तो आपको और भी सारे वेरियंट्स की वॉक अराउंड देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो मैकेनिकली कोई भी इस गाड़ी में चेंज नहीं हुआ है, और प्रैक्टिकल मुझे ये वाली वेरिएंट सबसे ज्यादा लगता है, क्योंकि इसमें ट्यूबलेस टायर्स एंड अलॉय व्हील्स आते हैं, ताकि आपको रोड में ब्रेकडाउन की इशू यहाँ पे फेस ना करना पड़े या फिर उसके चांस भी बहुत कम रहे। अब दोस्तों आगे की तरफ आप देख पाएंगे, आगे और पीछे दोनों ही तरफ यहाँ पे ABS लगा हुआ है, डुअल चैनल ABS यूनिट के साथ आता है, साथ में आपको ट्यूबलेस टायर्स देखने को मिल जाएंगे। आगे की तरफ 19 इंच का व्हील मिलेगा, 100x90 सेक्शन का टायर मिलेगा और 41mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन 130mm ट्रैवल के साथ आता है। अब सस्पेंशन इसमें वही है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे टायर्स जो है ये ट्यूबलेस है, जो कि मेरे ख्याल से अभी बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकली अपील ज़्यादा करेगा। साथ ही इसमें रिम टेप्स या फिर रिम स्टिकर्स लगे हुए हैं, दोनों ही तरफ आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, और ट्विन पिस्टन कैलिपर वाली ब्रेक्स है, तो इसीलिए ब्रेकिंग की जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्मल स्पीड्स में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। और सस्पेंशन कवर्स इसमें पहले से ही आता था तो भी आपको इसमें मिल जाएगा, और मडगार्ड के ऊपर भी, फ्रंट जो मडगार्ड है उसके ऊपर भी आपको ये थ्री टोन कलर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम दोस्तों चेंजेस की बात करें तो पहले भी आप देख चुके हैं, अभी जो नया LED सिस्टम आ रहा है, LED लाइट, वही इसमें है, हेडलैम्प के ऊपर लगा हुआ है, और साथ ही में आपको इसमें ब्लैक कलर की बॉर्डर ट्रीटमेंट दिया गया है। अभी LED हेडलैम्प यूनिट पहले की जो हैलोजन आता था उससे कई ज़्यादा आपको बेटर रोड इल्यूमिनेशन देगा, पावर कंजम्पशन कम होगी और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा अप मार्केट एंड प्रीमियम लगता है। साथ ही में जो पायलट लैम्प्स है दोनों इसमें LED बना दिया गया है, ये आप देख सकते हो दोस्तों, दोनों ही पायलट लैम्प्स को ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आता है, इसमें आपको LED देखने को मिल जाएगा। एक बात गौर कीजिए दोस्तों कि पूरा जो गाड़ी का पेंट स्कीम है ये मैट कलर में है, तो मैट गन मेटल ग्रे या फिर मैट गन ग्रे भी आप कह सकते हो। अब दोस्तों ये जो इंडिकेटर्स है इसमें भी सेकंड टॉप मॉडल है, तो इसीलिए सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे LED है, कोई भी ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो इसके बाद आते हैं दोस्तों लीवर्स पे, तो लीवर्स पे अभी आपको इसमें एडजस्टेबिलिटी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये अपर वेरिएंट्स में ही आता है, तो दोनों ही जो लीवर्स है आप अपने हिसाब से, अपने पाम के हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से एडजस्ट कर पाएंगे, इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स थे। अब साथ ही में आपको जो मोबाइल कनेक्टिविटी का पोर्ट आता था उसको आप टाइप सी बना दिया गया है, ज़्यादातर बाइक्स के साथ कंपैटिबल होने के लिए। फिलहाल इसमें आपको मिरर्स नहीं लगा हुआ है, लेकिन मिरर्स जो है ये भी ब्लैक राउंड शेप के मिरर्स है। अब इसमें स्विच गियर जो आता है दोस्तों, अच्छे क्वालिटी का प्रीमियम क्वालिटी का स्विच गियर आपको इसमें दिया जाता है, जो कि आपको पहले भी आता था J-सीरीज के प्लेटफॉर्म के बाइक में, तो वही आपको स्विच गियर देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हो दोस्तों, टाइप सी जो USB-A पहले आता था उसको चेंज करके टाइप सी दिया गया है, ज़्यादातर फोन्स के साथ आपको ये कॉम्पैटिबल देखने को मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। और इसमें आप एक अपराइट पोस्चर में बैठते हैं, क्योंकि ट्यूबुलर टाइप का हैंडल बार है, जो कि ऑलमोस्ट आप एक स्ट्रेट राइडिंग पोस्चर आप बोल सकते हो। अब इस जो हैंडल है इसके ऊपर आप स्विचेस वगैरह माउंट कर सकते हो, अगर आप बाद में फॉग लैंप्स वगैरह लगाते हैं तो। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम देखें तो राइट साइड में आपको इंजन किल और साथ ही में सेल्फ स्टार्ट की स्विच आता है, और सिर्फ आपको इसमें सेल्फ स्टार्ट ही आता है, हजार्ड लाइट स्विच इसमें इनबिल्ट है। बात करें दोस्तों मीटर कंसोल की, तो मीटर कंसोल में आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलेगा, टैकोमीटर बस यहाँ पे मिसिंग है, और डिजिटल डिस्प्ले में आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर अभी दिया गया है, साथ ही में आपको ट्रिप मीटर्स,
ट्विन ट्रिप मीटर्स, फ्यूल इंडिकेशन, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। E20 की बैजिंग आपको मिलेगी और आपको इसमें क्रोम में फ्यूल कैप जो है ये देखने को मिल जाएगा। टैंक दोस्तों बहुत ही ज्यादा खास है, मुझे देखने में एक बिग बाइक का फील आता है। 3-tone फिनिश आपको टैंक के ऊपर मिलेगा, सिमेट्रिकल है, देखने में अच्छा लगता है। रॉयल एनफील्ड की 3D बैजिंग दिया गया और साथ ही में आपको नी जो थाई पैड से या फिर साइड जो पैड से रबर का वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो रॉयल एनफील्ड की बहुत ही बड़ा सा 3D में आपको बैजिंग इसके ऊपर मिल जाएगी। 13 लीटर्स की टैंक है और अप्रॉक्सिमेटली 35-37 किलोमीटर पर लीटर की इसमें माइलेज मिलेगा। हाईवेज में जाएंगे तो अप्रॉक्सिमेटली 40-41 का मिल सकता है अगर आप इसको अराउंड 80 के स्पीड पे राइड करें तो। बात करें दोस्तों इंजन की तो सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टर 349 सीसी का काउंटर बैलेंसर वाली जे सीरीज प्लेटफॉर्म की यहाँ पे इंजन लगा हुआ है। 20.2 bhp का पावर, 27 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलेगी। इसमें 5 गियर की गाड़ी है दोस्तों और ट्विन डाउन ट्यूब स्पाइन फ्रेम पर बना हुआ है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिल जाएगा, नीचे अगर आप चाहे तो सम्प गार्ड लगा सकते हो जो कि इंजन गार्ड भी आप कह सकते हो, ये सब कुछ आप लगा सकते हो दोस्तों। और गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, कोई भी इंजन नॉकिंग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा और काफ़ी हद तक ये पहले के मुकाबले फ्यूल एफिशिएंट भी बन चुका है। 1 down 4 up की यहाँ पे गियर पैटर्न दिया गया है और हील एंड टो गियर शिफ्टर, तो जूते खराब होने के भी चांसेस नहीं है। साइड में भी आप देख सकते हो दोस्तों फुल्ली मैट ब्लैक की यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया गया है क्लासिक 350 का। आपको एयर फिल्टर कवर में बैजिंग भी देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल दोस्तों अगर हम देखें तो क्लासिक 350 एक बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी है क्योंकि आपको इसमें जो सीट हाइट आता है ये 805 mm का है, कोई भी हाइट का बंदा चला पाएगा। और राइडर सीट एंड पिलियन सीट दोनों ही बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल एंड स्पेशियस है। अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हो तो आइडियल एक बाइक है क्लासिक 350, जिसको आप लेके सिटी में भी चल सकते हो और साथ ही में लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हो। साइड में आप देखेंगे दोस्तों कि रॉड टाइप के यहाँ पे माउंट्स बने हुए हैं जिसमें आप सामान वगैरह कैरी कर सकते हो और अलग से मॉडिफिकेशन करके इसमें लगेज लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ा सकते हो। पीछे भी आपको वही पाइप टाइप का ग्रैब हैंडल बार देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हो तो पीछे का सीट आप हटा के इसको कंप्लीटली एक बॉबर स्टाइल का लुक भी दे सकते हो, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, देखने में काफी ज्यादा कूल लगते हैं लेकिन उतना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। पीछे की भी अगर आप देखेंगे तो पीछे आपको बल्ब टाइप का राउंड हेडलैम्प यूनिट, राउंड बैक लैंप यूनिट मिलेगा, साथ में फ्रंट वाली इंडिकेटर्स भी पीछे की तरफ भी मिल जाएंगे। अब इसमें ट्विन ट्यूब इमल्शन शॉक अब्सॉर्बर लगा हुआ है 6 step adjustable प्रीलोड के साथ और पीछे की तरफ आपको 120x80 सेक्शन का 18 इंच वाली टायर देखने को मिलेंगी और पीछे 270mm का डिस्क देखने को मिलेगा। पीछे भी ABS लगा हुआ है, ट्विन चैनल ABS है, नॉन स्विचेबल और पीछे आपको सिंगल पिस्टन कैलिपर वाली डिस्क ब्रेक मिलता है। अब दोस्तों सस्पेंशन जो है सिटी के हिसाब से अच्छा खासा ट्यून्ड आपको सस्पेंशन देखने को मिलेगा। टॉप स्पीड की बात करें दोस्तों तो अराउंड 120 से लेकर 125 के बीच में इसकी टॉप स्पीड है। कर्व वेट 195 kg के है क्योंकि कंप्लीटली मेटल की ये गाड़ी बना हुआ है। ग्राउंड क्लियरेंस 170mm है, गुड फॉर इंडियन रोड्स और व्हील बेस क्लोज टू 1400mm आपको मिल जाएगी, जो कि स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छा दे देता है। और फुल्ली ब्लैक्ड आउट इसकी लंबा सा एग्जॉस्ट है। दोस्तों ये वेरिएंट आपको कैसा लगा, कलर कैसा लगा जरूर बताना, शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। आगे फिर मिलेंगे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑलवेज राइड सेफ।